कैसे पता चले कि सामने वाला आपसे माफी मांग रहा है या खाली आपको घुमा रहा है? क्या सचमुच वो आपसे माफी मांग रहा है, कैसे पता चले? या खाली कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? कैसे पता करें इनके बारे में? सबसे पहले एक तो बोलेगा, यार तू बड़ा कमजोर आदमी है, बड़ा नाजुक आदमी है, बहुत जल्दी दिल को लगा लेता है। मैन यू आर हाईली सेंसिटिव, बोलता है ना। मेरा यह मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन इट, यू आर टेकिंग मी इन अ रॉन्ग वे, बोलेगा। अच्छा छड़ यार, लेट गो कर, अब चैप्टर क्लोज कर और आगे की बात कर, क्या करनी है। ये चार शब्द सुनाएगा, कवर अप कर रहा है, बट वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे, कहीं बोला उसने सॉरी शब्द कहीं आया? तो वो आपका अपना नहीं। अगर उसने कह दिया कि यू आर हाईली सेंसिटिव, आई डिडंट मीन इट, इट्स ओके, लीव इट, फॉरगेट इट एंड मूव फॉरवर्ड, अगर ये कह दिया सामने वाले ने, तो यहां कहीं पे भी माफी कहां थी? थी माफी, तो ये इंसान आपका नहीं। लेकिन यदि एक ही बार में कह दे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई, आप सही मैं गलत, बात खत्म। कहावत है गुजराती में, जे नहीं हो ई गई हो, जो झुका वो सभी का प्यारा हो। लेकिन ईगोइस्टिक पर्सन रहेगा तो यही बोलेगा, यू आर हाईली सेंसिटिव, यू आर टेकिंग मी इन अ रॉन्ग वे, ओके नाउ इट्स ओके, लीव इट, फॉरगेट इट, आगे की काम, आगे की बात कर। उसने कहीं माफी नहीं मांगी। सेम वे योर स्किन डिजीज, सेम वे इज योर स्किन डिजीज, योर सोरेसिस, एक्जिमा, एलोपेशिया एंड फंगल इन्फेक्शन, ये चारों ऐसी हैं, ये जल्दी माफी नहीं मांगते। आपके डॉक्टर इनको सिर्फ स्टीरॉइड देके 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 दबाने की कोशिश करते हैं। इट्स ओके, मूव फॉरवर्ड, स्टीरॉइड देके देके आपको आपकी गाड़ी को सिर्फ आगे 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 खींचते हैं। लेकिन कभी ये नहीं बताया कि आखिर ये चार की वजह क्या है, आखिर ये चमड़े के रोग की वजह क्या है, कभी नहीं बताया। बहुत ध्यान देना है कि आखिर वजह क्या होगी। जब आपका लिवर बहुत ज्यादा टॉक्सिन जनरेट कर रहा है, जब आपका स्प्लीन ब्लड अच्छा बनाने की जगह इनप्योर ब्लड बनाना शुरू कर रहा है, जब आपका हार्ट उसको प्यूरिफाई करने की जगह और ज्यादा इनप्योर कर रहा है, और किडनी फिल्टर करने की जगह कचरा जमा करते जा रहे हैं, जब ये चार ऑर्गन्स आपके अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सोरेसिस, एलोपेशिया, दीमक के कीड़े की तरह आपके पूरे बालों को खा जाएगा। एक्जिमा देखते हैं ना, विंटर में इतनी बढ़ जाएगा, जब भी टेंशन बढ़ेगी, खुजली बढ़ती जाएगी, डॉक्टर स्टीरॉइड देता जाए। एंड फंगल इन्फेक्शन, कई बार देखना नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन, बार 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 पाउडर की तरह गिरता रहेगा, आपके नाखून में से चूरा चूरा गिरता रहता है, आसपास में पूरा पस भरते रहता है बार बार, उसके लिए क्या है? स्टीरॉइड। यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ था? खाली स्टीरॉइड दिया गया आपको, बट वेयर इज द सॉल्यूशन? इफ यू वॉन्ट टू बी आउट ऑफ दिस डिजीजेस, चमड़े के किसी भी रोग से अगर आपको मुक्त होना है, बालों की कोई भी बीमारी से यदि मुक्त होना है, तो रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर थिंग्स यू हैव टू अवॉइड। जब भी लगा कोई भी चमड़े का रोग आया, लेट इट बी स्किन डिजीज, एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज लाइक रिंगवर्म, बहुत फैला हुआ है अभी हर जगह रिंगवर्म देखने में, इचिंग बहुत आएगी शरीर में, अर्टिकेरिया, हर्पीस, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो हर तीसरे घर में एक को है ये बीमारी, यूके में तो हर एक को है ये चीज, हर आदमी एक नई चीज से सफर कर रहा है, दो अंगूठे के बीच में फंगस जमा हो जाएगा।
बारिश के दिनों में हिंदुस्तानियों को होता है और स्नो जहाँ पे गिरता है वहां पे स्नो के दिनों में होता है। अंगूठे के बीच में उंगलियों के बीच में फंगस आ जाता है, नेल एकदम नरम नरम हो जाएंगे, ब्रिटल होने लग जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ढूंढो, स्टेरॉइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉरी है। तो कैसे करना है उसको? सबसे पहले एक तो नमक बंद कर देना, दूसरी शक्कर, चार व्हाइट आइटम बंद कर देना, नो सॉल्ट, नो शुगर, नो मैदा प्रोडक्ट, मैदा व्हाइट होता है ना आपका, एंड नो ट्रांस फैट। आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, ये पूरा जंक फूड, ये पूरे शरीर को जंग लगा देगा, पूरा लीवर में टॉक्सिन्स जमा कर देगा। तो यू हैव टू वेरी वेरी मच केयरफुल कि नहीं, मुझे ये चारों को अवॉइड कर देना है। एंड चार कड़वी चीजें खानी, नीम के पत्ते, बिटर चीज नहीं खाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नीम के पत्ते कड़वे जरूर होते हैं लेकिन ठीक भी वही करता है। नीम के रस में जो गुण है, हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव है जहां पे सिर्फ नीम के झाड़ है, कोई भी चमड़े का रोग है आप वहां पे जाके बैठ जाना, सिर्फ उसकी हवा से, खाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे अगर आप हवा ले लेते हो पूरा एक महीना, आपके पूरे चमड़े का बीमारी खत्म हो जाती है, चमड़े का सारा रोग खत्म हो जाता है। जिसको भी लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स की कोई भी बीमारी हो गई है, आप खाली वहां एक महीना रहकर आ जाना, आपकी सारी लंग्स की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। आपको निमोनिया है, कोई भी प्रॉब्लम है लंग्स के अंदर, इमीडिएट वहां चले जाना उस गांव में। तो सबसे पहले नमक बंद करो, दूसरा आपका शक्कर बंद करो, तीसरा मैदा बंद कर दो, और चौथा जैसे पॉपकॉर्न, एग्जाम्पल ट्रांसफैट इज योर पॉपकॉर्न। तो आपको ये सारी चीजें, जंक फूड, पूरी बेकरी की चीजें जितनी भी है इसको बंद कर देना। पांचवा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सुबह का खाना जो बना है वो दोपहर में नहीं, दोपहर का शाम में नहीं, शाम का रात में नहीं। बासी खाना खाएंगे बहुत तेजी से आपका टॉक्सिन फैल जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमको बासी खाना नहीं खाना। आजकल हिंदुस्तान में विदेशियों को देख के हम भी बासी खाना खाने शुरू हो गए। बासी खाना मत खाओ, थोड़ा बनाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। स्ट्रीट फूड बंद कर देना, सिट्रिक, जरा सा भी खट्टा खाएंगे इमीडिएट खुजली शुरू हो जाएगी और सूजन आ जाएगी आपके लीवर में, स्प्लीन में, हार्ट में, किडनी में, ये चारों काम नहीं कर पाएंगे, ब्लोट हो जाएंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी काम करने के लिए। तो यू हैव टू अवॉइड दिस फूड, बेकरी फूड, और बाकी के ये चार, और चार कड़वी चीजें जैसे काली जीरी, इससे पहले बताया था आपको, काली जीरी सिर्फ दो ही दाने सुबह सुबह खाली पेट से चबा लेना, एक 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 5 से 6 कड़वे पत्ते आपके नीम के, मीठे नहीं, करिया पत्ता नहीं, नीम लीव्स 5 से 6 पत्ते, उसको अच्छे से चबा लेना, दाना मेथी एंड सिनेमिन। आप चाहे सिनेमिन, हार्ट को बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रखता है सिनेमिन, दाल चीनी जिसको बोला जाता है, दाल चीनी, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को क्लियर करते जाता है। आपका जो VLDL है, आपका LDL जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, इसको काफी वॉशिंग का काम कर देता है, प्यूरिफिकेशन कर देता है इसका, एंड ब्लड प्यूरिफाई होना शुरू हो जाता है आपके हार्ट में। तो ये चार चीजों की सेवन जरूर करना, जिन जिनको भी चमड़े का रोग है, 6 महीने विद डेडिकेशन, एक दिन भी गलती किए बगैर 6 महीने विद डेडिकेशन अगर आप ये चार कड़वी चीजें खाएंगे एंड एम्प्टी स्टमक में 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला, 1 टीस्पून ऑफ त्रिफला चूर्ण, आंवला, हरड़े, बहेड़ा, आंवला 3 टेबलस्पून, 3:2:1 का रेशियो कर लेना, आंवला 3 टेबलस्पून, बहेड़ा 2 टेबलस्पून एंड हरड़े 1 टेबलस्पून, 3:2:1 अच्छे से मिक्स करके रख देना। सुबह खाली पेट से सबसे पहले त्रिफला ले लेना। आंवले में 8 गुड़ है, मल्टी वाइटामिन एंड मिनरल्स की जैसे 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 कमी होती जाएगी चमड़े का रोग बढ़ता जाएगा और खाज बढ़ती जाएगी। एंड कई बार देखना विंटर सीजन में आप जरा सा यू करेंगे पूरा पाउडर निकलेगा, स्किन ड्राई होते जा रही है, सेल्स आपके डेड हो जा रहे हैं। बहेड़ा, इट विल रिजुविनेट ईच एंड एवरी सेल। एंड हरडे, जो आपकी इम्यूनिटी जो आपकी लो हो गई थी, ये चारों की, किसकी? लिवर, स्प्लीन, हार्ट एंड किडनी, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिसके भी घर में
कोई भी चमड़े का रोग है, स्टीरॉइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। कड़वी चीज बिटर थिंग इज द सॉल्यूशन। व्हेनेवर यू विल गिव मोर ऑफ सॉल्ट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट टू गो विथ, यू हैव टू शिफ्ट इट टू रॉक सॉल्ट। और घर में जितना हो सके कोशिश करना गंगा जल, जो लोग भी जाते हैं हरिद्वार तो वहां से गंगा जल जरूर लेकर आए, ओरिजिनल लेकर आना, वो जो बेचते हैं रोड के ऊपर दुकान में वो नहीं, जाना है फ्रेश भर के लेकर आ जाना। उसमें सल्फर होता है और हिमालय से आ रहा है वो पूरा पानी। आप जो बकेट में पानी भर के स्नान करते हैं यू हैव टू एड 1 to 2 ग्लासेस ऑफ गंगा जल, काफी काफी रिलैक्स हो जाएंगे आपका। जो आपको खाज खाज आती है, जो वाई फाई पाउडर निकलने लग जाता है यहाँ यहाँ खुजाने से, डैंड्रफ जो पाउडर पाउडर होकर निकलते हैं, कितना भी कोम करो, कितना भी डैंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे आप, क्या होता है उस वक्त और ज्यादा गिरने लग जाता है। तो एट दैट टाइम गंगा जल में जो है उसके अंदर सल्फर होता है जो आपके पूरे स्किन के डिजीज को रिलीज कर देता है। होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं खास ये जिसको भी स्किन डिजीज है उसको ये दवाई देते हैं, सल्फर सिपिया एंड सारसाफरीला, जो ये पूरे स्किन के डिजीज का कोई भी चमड़े का रोग है, दिस इज द लास्ट रेमेडी फॉर स्किन डिजीज। ये दवाई लेने से बहुत आराम आ जाता है, बहुत, दिस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन इन होम्योपैथी। लेकिन कई लोग होम्योपैथी से डर जाते हैं कि नहीं हमको रिवर्स अटैक आता है, दैट रिमूव्स एवरीथिंग, दैट इज टेकिंग आउट टोटल टॉक्सिन्स ऑफ योर बॉडी। लेकिन बढ़ जाता है तो आप डर जाते हो, बढ़ नहीं जा रहा है, आपके अंदर था उसको उसने पूरा बाहर निकाल के फेंक दिया है, लेकिन कुछ दिन तकलीफ जरूर होती है। तो यू हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस व्हेन यू आर टेकिंग होम्योपैथी रेमेडीज। अब एक आसान तरीका कैसे ठीक करेंगे, टैपिंग से करेंगे, लीवर को, स्प्लीन को और हार्ट को ये ठीक करेंगे टैपिंग करके, और फिर पीछे किडनी। Thank you.